तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज आ चुके नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम आपको फेस वाइट करना सिखाएंगे, जो कि गाइस देख सकते हो कि मेरी फ़ोटो काफ़ी HD से एडिट हुई है और काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने फेस वाइट किया है। तो आप देख सकते हो कि एक ये फ़ोटो है जो ये काफ़ी ज़्यादा बवाल सी, काफ़ी ज़्यादा हीरो टाइप लग रही है। इसी टाइप की फ़ोटो से एडिट करना सिखाएंगे। तो गाइस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है। तो गाइस बिना टाइम गवाए, बिना कुछ किए इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आपको अपनी ये नॉर्मल फ़ोटो ले लेनी है, जो आप देख सकते हो कि ये बिफ़ोर ये आफ्टर। तो आप देख सकते हो कि ये बिफ़ोर फ़ोटो कितनी ब्लर सी दिख रही है। तो हम इसको आपको HD बना के दिखाएंगे। तो गाइस हम क्या करते हैं, तो हम तो सबसे पहले तो गाइस अपनी फ़ोटो को सेंड कर लेते हैं। सेंड वाला ऑप्शन देखने पे क्लिक करके, सेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एड टू लाइट रूम में कर लेना है। फ़ोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में सेव कर लेना है, फिर लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन करना है। तो गाइस ये देख सकते हो कि हमारी फ़ोटो इधर आ चुकी है लाइट रूम एप्लीकेशन में। अभी गाइस आपको क्या करना है, थोड़ा बैग आना है, बैग आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। फिर गाइस आपको नीचे ही एक लिंक देखने को मिलेगा, एक प्रीसेट देखने को मिलेगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसको आपको लाइट रूम एप्लीकेशन में लाने के बाद इसको कॉपी सेटिंग कर लेना है। कॉपी सेटिंग करने के बाद गाइस अपनी फ़ोटो को ओपन करना है। अपनी फ़ोटो को ओपन करके आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है कुछ इस टाइप से। तो एक ही क्लिक में गाइस फेस वाइट हो जाएगा हमारा। फिर हमको क्या करना है, ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका थोड़ा रोशनी कम कर लेंगे, और कलर वाले ऑप्शन पे जाके आपको जितना फेस वाइट चाहिए उतना आप कर सकते हो, इतना कितना भी कर सकते हो। मैं इतना करूँगा तो ठीक है, मैं बहुत इतना ही मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं इतना कर लेता हूँ। और कुछ इस टाइप से अपनी शर्ट वाला कलर कुछ इस टाइप से मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। ये सब होने के बाद गाइस आपको डन कर देना है। डन होने के बाद गाइस आपको इधर शुरू में सिलेक्टिव वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको फोटो को जूम करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी लिप्स पे कुछ इस टाइप से कलर कर लेना है। कलर करने के बाद लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसका लाइट थोड़ा कम कर लेना है अपनी लिप्स का, और राइट कर देना है। तो ये सब होने के बाद गाइस आपको अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो हम फोटो को सेव कर लेते हैं, ये थोड़ा लोडिंग लेगा। हम फोटो को अपना डाटा ओपन करते हैं, सॉरी गाइस इसमें फ्लाई मोड चालू कर रखा है तो इसको बंद करके डाटा ओपन कर लेता हूँ। डाटा ओपन करने के बाद मैं अपनी फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ। इधर स्क्रॉल करता हूँ तो फोटो रूम एप्लीकेशन में आपको अपनी फ़ोटो सेव कर लेना है। तो मैं आ चुका हूँ फोटो रूम एप्लीकेशन में। फ़ोटो रूम एप्लीकेशन में हम अपनी फ़ोटो को, अपनी बैकग्राउंड को ब्लूर करेंगे। तो ब्लूर करने के लिए थोड़ा लोडिंग लेगा। तो ये देख सकते हो गाइस, ये अपने आप ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाने लगेगा, तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा। तो इसको थोड़ा लोडिंग लेने देते हैं। तो ये लोडिंग लेने के बाद आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, वाइट, ब्लैक, ट्रेंडिंग, फोर्स्ट, कुछ इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ब्लूर वाले ऑप्शन को ले लेना है। ब्लूर वाले ऑप्शन को लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, तो ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। फिर आपको नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पर्सन और एक बैकग्राउंड। तो आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ज़्यादा ब्लूर चाहिए, तो सबसे पहले ज़्यादा ब्लूर चाहिए तो गेंसिन वाले ब्लूर पे क्लिक करते कि ज़्यादा ब्लूर हो जाएगा, और आपको थोड़ा कम चाहिए तो इस वाले ब्लूर को कर लेना है। तो मैं थोड़ा कम ब्लूर कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, हमको अच्छा लग रहा है, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको डाउनलोड इस टाइप से इसको डाउनलोड कर सेव टू गैलरी कर देता हूँ। तो ये थोड़ा लोडिंग लेगा। तो ये सब ये राइट हो गया, ये डाउनलोड हो गया। तो हम क्या करते हैं, अपना डाटा वापस से बंद कर लेते हैं। बंद करके हम फ्लाइज मोड चालू कर लेते हैं और इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आए तो हमारी वीडियो बिगड़ सकती है। फिर गाइस हम अपनी गैलरी में जाते हैं, तो गैलरी में आने के बाद हमारी फ़ोटो ये देख सकते हो कि ये आ चुकी है। तो ये आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो गाइस आपको अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। थोड़ा इधर स्क्रॉल करेंगे तो अपना ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आ जाएगा। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपनी फ़ोटो को कुछ इस टाइप से सेव कर लेना है। सेव होने के बाद गाइस आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैं अपनी गैलरी को ओपन करता हूँ। मैं अपनी गैलरी को ओपन करने के बाद आपको एक हेयर दूंगा काफ़ी बढ़िया तरीके, जो वो हेयर आपको लगेगा। तो मैं इसी हेयर को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दूंगा, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके जैसे गाइस मैं इसको एडजस्ट करता हूँ कुछ इसी टाइप से आपको इसको एडजस्ट करना है। तो मैं इतना एडजस्ट करके इसको इधर से कट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। इतना होने के बाद इसका एक डुप्लीकेट निकालता हूँ। इसका डुप्लीकेट निकाल के जो इसका पीछे का पार्ट उसको वापस ले आता हूँ, और कुछ इस टाइप से इसको पीछे की साइड कुछ इस टाइप से लगा लेता हूँ, और काफ़ी बढ़िया तरीके से। फिर इसको हटा देता हूँ आगे से, और इसको इधर पीछे से भी हटा देता हूँ, और गाइस इसको कुछ इसी टाइप से इसको लगा लेता हूँ। ये सब होने के बाद इसको थोड़ा
अपने जो सॉरी गाइस थोड़ा ये बगड़ गया। तो ये सब होने के बाद तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, हम इसको इरेज कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, और इसको कुछ इस टाइप से लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ये सब होने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। बढ़ाना कैसे है, अपनी फ़ोटो को थोड़ा छोटा करके और इसकी साइज़ को कुछ ऊपर की साइड कुछ इस टाइप से इसको खींचना है, और उसको इसको नीचे भेज देना है। फिर आपको इसको ले लेना है और फिर इसको भी कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना है और इसको थोड़ा इस टाइप से कर लेना। फिर इसको ऐसे करके गाइस इधर इसको करेंगे तो इरेजेक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। फिर आपको इसका ब्राइटनेस कम कर लेना है, इसको ब्लैक करके इसे क्लैरिटी को बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से। फिर राइट करके इसको नीचे डालना है और इस पीछे वाले को लेना है। पीछे वाले को लेने के बाद एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाके इसका ब्राइटनेस कुछ इस टाइप से कम करके क्लैरिटी को बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से। फिर गाइस आपको राइट कर देना है, तो ये देख सकते हो ये हम राइट कर चुके हैं। फिर गाइस आपको क्या करना है, जो ये हमारा ये साइड में नाम दिखाई दे रहा होगा आपको, ये फोटो रूम एप्लीकेशन का नाम है, तो हम इसको हटा लेते हैं कुछ इस टाइप से। इसको हटा लेंगे क्योंकि गाइस ये अच्छा नहीं लगता हमारे को, ये हमारी फ़ोटो पर आता है तो हमारी फ़ोटो हमको अच्छी नहीं। ये हटने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर थोड़ा इधर इसको करके आपको कलर रिप्लाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी शर्ट का कलर आपको चेंज कर लेना है। तो मैं इस अपनी शर्ट का कलर रेड कर लेता हूँ, ये देख सकते हो मैं अपनी शर्ट का कलर रेड कर लिया हूँ। फिर गाइस मैं इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, फिर इधर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा कलर रियाज, कलर रियाज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, ये तो हमारी फ़ोटो काफ़ी कलर हो गया है, तो इसको इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंटरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, फिर अपने जो रुमाल लगाया है हमने तो उस रुमाल के जो फूल है कुछ इस टाइप से उस फूलों में हमको कलर कर लेना है कुछ इस टाइप से, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपने भी रुमाल लगाया होगा तो आप भी कलर कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मत करना। आपको कुछ इस टाइप से करके एक्स्ट्रा पार्ट निकला होगा साइड में, हम उसको इरेज कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो हम इसको इरेज करके अपने फूल जो अपने फूल है इसमें करके गाइस इस फूलों का कलर हम चेंज करेंगे रेड। तो ये रेड कर लिया हूँ मैंने, तो मैंने शर्ट का और अपनी रुमाल का कलर रेड कर लिया हूँ। फिर गाइस मैं थोड़ा इधर स्क्रॉल करूँगा तो हमको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्रशेस, ब्रशेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको तीन चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको जो अपनी पेंसिल के ऊपर स्टार और दिल वगैरह दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर देखो स्क्रॉल करना है, फिर आपको गोल वाली पीएनजी वाले ये ले लेने हैं और इसका थोड़ा इसका ओपेसिटी कम करके इसका थोड़ा साइज बढ़ा के अपने बैकग्राउंड पे ऐसे क्लिक कर लेंगे और कुछ इस टाइप से अपने बैकग्राउंड पे इसको लगा लेंगे कुछ इस टाइप से। तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा बैकग्राउंड दिखेगा। ये ऐसे लगाने के बाद हमको राइट कर देना है। ये सब होने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको ब्यूटी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आई कलर पे जाना है। आई कलर पे जाने के बाद अपनी आई में इसको कुछ इस टाइप से रख लेना है, जिसे गाइस काफ़ी बढ़िया तरीके से ये हमारी आई दिखे कुछ इस टाइप से करके इसका एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेना है। इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम इरेज कर चुके हैं कुछ इस टाइप से इरेज करके। गाइस आपको थोड़ा इधर इसको करना है और इसको बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से। ये देख सकते हो कि हमारी आयु कितनी भयंकर दिख रही है हीरो टाइप, तो इसका थोड़ा इसकी आयु को थोड़ा कम करेंगे इसका लाइट और फिर राइट कर देंगे। राइट करने के बाद हेयर कलर वाला ऑप्शन दिखेगा, तो हेयर कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को जूम करके अपनी लिप्स पे जो हेयर कलर है उसको अपनी लिप्स पे इसका कलर कर लेना है, अपने हेयर पे नहीं करना है अपनी लिप्स पे इसका कलर करके, और आपको रेड कलर यूज कर लेना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेड हो गए तो हमको थोड़ा कम कर लेते हैं, तो हमको अपने हिसाब से रख लेते हैं, तो हमको इतना बहुत थे तो हम इसको रख लेते हैं और राइट कर लेते हैं। ये सब होने के बाद गाइस अपनी फ़ोटो को डाउनलोड कर लेना है, ऊपर डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखेगा तो इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं अपनी फ़ोटो को डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको गैलरी ओपन करना है और आपको ऊपर में अपनी फ़ोटो डाउनलोड होते ही अपनी गैलरी में सेव हो जाएगी। फिर गाइस आपको अपनी फ़ोटो को वापस सेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को स्केच बुक एप्लीकेशन में सेव कर लेना है। स्केच बुक ले एप्लीकेशन में अपनी फ़ोटो सेव करके आपको गाइस इसी पेंसिल को लेना है, जो आपको इधर नाम देखने को मिलेगा स्मूज वाला नाम देखने को मिलेगा। तो इधर बहुत सारी पेंसिल दिखेगी, तो आपको एक दो तीन चार पाँच ऐसे ऑप्शन दिखेगी, तो आपको एक छोड़ के दो नंबर की पेंसिल को लेके इसका सेटिंग कुछ इस टाइप से आपको फॉलो को वन रख लेना है, स्ट्रेक को भी वन रख लेना है और साइज को अपने हिसाब से रख के अपनी फ़ोटो को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी फ़ोटो को जूम करके अपने हल्के हल्के हाथों से अपनी फ़ोटो को स्मूथ कर लेना है। जैसे गाइस देख सकते हो कि मैं अपने हल्के हल्के हाथों से अपनी फ़ोटो को स्मूथ कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि फ़ोटो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारी फ़ोटो स्मूथ हो रही है और हमारी फ़ोटो काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा फेस भी बनेगा। अभी दिखाता हूँ आपको जल्दी से फटाक से, मैं अपनी फ़ोटो को स्मूथ करके दिखाता हूँ कि मेरी फेस काफ़ी कितनी अच्छी बनेगी और कितना अच्छा हमारा फेस स्मूथ होगा। तो मैं थोड़ा वीडियो को इसको फास्ट कर लेता हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो चले वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं।
तो फाइनली गाइस हम कर चुके हैं फ़ोटो को स्मूथ। फ़ोटो को स्मूथ करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। सेव कैसे करना है, आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, सेव कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सेविंग लेगा, तो इसको थोड़ा सेविंग लेने देते हैं। ये सेविंग लेने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। फिर आपको थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके शेयर कर लेना है। शेयर करने आए आपको स्नैपशीट एप्लीकेशन में, तो हम स्नैपशीट एप्लीकेशन में फ़ोटो सेव कर लेते हैं। स्नैपशीट एप्लीकेशन में फ़ोटो आने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे जाना है, और जहाँ अपनी फ़ोटो पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है कुछ इस टाइप से, इस फिंगर अपने फिंगर से कुछ इस टाइप से इसको एडजस्ट करके, इसका ब्राइटनेस को बढ़ा के, इसका सैचुरेशन को माइनस में रखना है और कंट्रास्ट को माइनस में, और आपको इसका ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं। फिर गाइस हम इधर से भी इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाएंगे, उस सैचुरेशन को थोड़ा माइनस में, फिर अपने गले में भी थोड़ा ब्लैक है तो हम इसका ब्राइटनेस कुछ इस टाइप से बढ़ा लेंगे, इस टाइप से बढ़ के इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस में। ये सब होने के बाद हमको राइट कर देना है। राइट होने के बाद गाइस फाइन, तो हम अपनी फ़ोटो को वापस शेयर वाला इधर ऑप्शन दिखेगा तो शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके और अपनी गैलरी को ओपन करना है। गैलरी ओपन करने के बाद ये देख सकते हो कि गाइस हमारी फ़ोटो काफ़ी बवाल से एडिट हुई है और काफ़ी लाजवाब, हमारे फेस पे कहाँ भी आपको ब्लूर ब्लूर देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारी फ़ोटो एडिट की है। तो गाइस आशा करता हूँ कि गाइस आपको इस वीडियो में आपको फ़ोटो एडिटिंग सीखना आ गया होगा। तो गाइस आपको फ़ोटो एडिटिंग थोड़ा बहुत सीखना आ गया तो आपको इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।